नमस्कार साथियों, दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज 19 तारीख हो गई है अक्टूबर। तो अब जो है मात्र 5 से 6 दिन बचे हैं चार, तो इन 5 6 दिनों में क्या किया जाए, है ना? इन 5 6 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो इसका सॉल्यूशन ये है, ये हम जो बोल रहे हैं अभी, ये सिर्फ ओनली हमारे ग्रुप में जो स्टूडेंट हमारी एकेडमी में एड है उनके लिए बोल रहे हैं, बट जो एड नहीं है उनके लिए हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले आजकल व्यापम जो है कहीं ना कहीं से इधर से उधर से क्वेश्चन ले रहा है, पता नहीं लगने दे रहा कहाँ से ले रहा है। बट हमने क्या है, इसकी एक ज़्यादा नहीं तो 40 से 60% तक एक इसकी जो क्वेश्चन देने का जो तरीका रहता है वो हमने पकड़ लिया है, उसको समझ लिया है एक तरह से। इसी पैटर्न पर आधारित हमने आज ग्रहों का वीडियो क्यों बनाया, ग्रह का सॉरी पीडीएफ बनाया, और थोड़ी ही देर बाद नाइट में उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और उसकी लिंक में वीडियो की लिंक में आपकी टेस्ट भी दे सकते हैं आप, नीचे टेस्ट मिलेगा, ठीक। और स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर दिवाली वगैरह मनाते, मैं दिवाली बहुत कम मनाता हूँ, मनाता नहीं, बस कपड़े वगैरह पहन लिए, पूजा वगैरह कर ली, थोड़े बहुत पटाखे फोड़ लिए बच्चों के साथ में, बस और कुछ भी नहीं। तो क्या अब जो है करना क्या है कि साइंस जो सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और आप सोच रहे होंगे, पुराने स्टूडेंट हमारे जो ग्रुप में है, नए स्टूडेंट जो नहीं है, कि हम सर से कांटेक्ट कैसे करें, क्या है क्या नहीं करें, तो उसके लिए 777-330-8990-4 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप भी मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के बाद में हम आपको बता देंगे, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन दे देंगे, आपको पीडीएफ को सेंड कर देंगे, वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप याद कर लेना। हमने जो 1200-1500 क्वेश्चन बनाए उनको हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम कह नहीं सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता, इसलिए हम हमारे जो स्टूडेंट हैं ग्रुप में उनसे बोल रहे हैं कि वो हाईलाइट नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं बचा है सफिशियंट कि हम उसको हाईलाइट कर दें, क्योंकि हमें आगे की प्रोसेस देखनी है। अभी एमपीपीएससी में नहीं उलझ रहा हूँ, मैंने माना आपकी बात को कि एमपीपीएससी का मैंने कल एक वीडियो बना के अपलोड किया था, पीडीएफ बना के टेस्ट ग्रहों का, बट वो क्या है, वो ग्रह के जो होते हैं ना वो ईसाई में भी क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से। अब 2008 का पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन पेपर आपको दो क्वेश्चन दिखे हैं ग्रह से, दो क्वेश्चन, एक तो उन्होंने सेटेलाइट का पूछा था उपग्रह के बारे में, और एक उन्होंने शायद शुक्र ग्रह के बारे में पूछा था, चमकीला ग्रह सब कुछ होता है, वो क्वेश्चन पूछा, दो क्वेश्चन आए थे 2008 में, इसलिए मैंने सोचा कि यार ग्रह से प्रोग्राम बना करता हूँ। तो ग्रह का पीडीएफ दे दिया, 3 पीडीएफ दिए कल ग्रह के, देखो मैंने आप ग्रुप में, और वीडियो भी उसका थोड़ी देर बाद आज नाइट में अपलोड कर देता हूँ मैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक हो गया, पता नहीं क्या हुआ, तो एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने इसलिए, है ना? और इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप हम हर 2-3 दिन में एक ना एक वीडियो अपलोड करते रहें, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, बट ये कंटिन्यूटी अच्छे से तब बनेगी तब हमारा ईसाई का एग्जाम हो जाएगा, समथिंग 1 तारीख बाद, 1 नवंबर के अक्टूबर, ठीक। अब देखो क्या होता है कि जब पहले मोबाइल से वीडियो बनाता था मैं, तो आवाज़ क्या होती थी, क्लियर नहीं आती थी, इसलिए मैं माइक लेके आया, और माइक से जो है आपको आवाज़ क्लियर आएगी। साइंस हो गया सब्जेक्ट खत्म, साइंस के बाद एमपी को उठाओ, एमपी लो, एमपी में जलप्रपात, राष्ट्रीय उद्यान और जो नई नई योजनाएं निकली हैं, है ना, इसके बाद पहाड़ पर्वत, NH-7 वगैरह रोड वगैरह जो रहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह, नेशनल हाईवे वगैरह, उनको देखो, है ना, और एमपी का कल्चर और विविध, इनको फोकस करो, ये जो 5 6 टॉपिक बताए इनको फोकस करो, यहाँ से एमपी आउट नहीं जाएगा। ये एमपी का संविधान वगैरह मत पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत कम बनते। अब बात आते हैं कि अब क्या करें, एमपी हो गया, साइंस हो गया, जियोग्राफी की बात करते हैं।
ज्योग्राफी में भी सेम ही कंडीशन, एमपी वाली पहाड़ पर्वत वगैरह चट्टान वगैरह, नदियां हैं, तालाब, कौन सा तालाब कहाँ है, जैसे रूपकुंड तालाब के बारे में पूछा, राजस्थान में आता है तो वो क्वेश्चन आया था 2012 में आया था। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, अभी उसका पीडीएफ जो है आपको 2 दिन में मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन बनाया मैंने, 100 क्वेश्चन मेरे को टाइम लग रहा है उनको, क्योंकि मैं क्वेश्चन के नीचे उसको डिटेल डिटेल लिख रहा हूँ, और डिटेल लिखने में बहुत टाइम लगता है, उसको पीडीएफ बनाना, उसको फॉर्मेट रेडी करना, और फिर पावर पॉइंट पर उसको अपडेट करना, बहुत टाइम लगता है। सॉरी थोड़ा, तो अब होता क्या है, ये सब कुछ हो गया, एमपी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, अब क्या करें, करंट अफेयर। करंट अफेयर सबसे पहले करंट अफेयर पे जितनी भी योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकाली है उनको पढ़ो, योजना से एक क्वेश्चन आना है, जितनी नई नियुक्तियां हुई हैं, जितनी भी राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई तो किस संविधान के संशोधन के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है उसको पढ़ना, राष्ट्रपति का जन्म कहाँ हुआ था वो पढ़ना है, इनकी उम्र तो कहीं आती नहीं, जन्म स्थान पूछ सकते हैं, किस जिले से बिलोंग करते हैं वो पूछ सकते हैं, पहला उनका विधानसभा क्षेत्र कुछ भी हो कहाँ था वो पूछ सकते हैं, अपने जो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने उनके लिए, उपराष्ट्रपति उनके लिए भी, आप उनके लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हमारे मामा जी के बारे में देख लेते हैं, शिवराज जी चौहान के बारे में, मामा जी का विधानसभा क्षेत्र पढ़ लो, हमने सारे एमपी के टोटल नेताओं का जितने भी मंत्री है मंत्रिमंडल का एक पीडीएफ बनाकर दे दिया आपको, उसको कमजोर मत समझना, पूरे के पूरे 8-9 पेपर में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा वहां से, परफेक्ट आएगा, देखना मैं बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन आया, मैंने दिया था, आ गया। विधानसभा क्षेत्र मत भूलना, और उनका विधानसभा क्षेत्र किस जिले में आता है वो मत भूलना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, किसी किसी विधानसभा क्षेत्र तहसील वगैरह में होते हैं, किसी किसी के जिले में होते हैं, तो वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है नीचे। एमपी हो गया, एमपी का करंट भी पढ़ लो, 6 पीडीएफ बना के दिए एमपी करंट के वो पढ़ लो आप, और एमपी जीके का 48 पीडीएफ दिए वो पढ़ो आप, बहुत हो गया इतना। एमपी हो गया, साइंस हो गया, भूगोल हो गया, करंट अफेयर हो गया, अब क्या करना, नियुक्तियां वगैरह बता दी, न्यायाधीश वगैरह की नियुक्तियों को, अब खेलकूद पे आना है। स्पोर्ट्स सेक्शन में जो कप्स होते हैं, ये कप है, ये खेल है, कोई एक्शन होती है, जैसे कि अभी मैंने दिया था कुछ यार, वो बास्केटबॉल वॉलीबॉल में कोई एक्शन लेते हैं, स्केस, वो वॉलीबॉल में होता है स्केस नाम करके, स्केस का किस खेल से संबंधित है, तो वो वॉलीबॉल से, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, और आगे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना अभी मैं, 2-4, 1-2 दिन में उसमें सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आपको अलग से टोटल ये बटोरने की जरूरत नहीं कि लूसेंट उठाई उसके पीछे पड़ा वहां पड़ी, और ये लूसेंट है ना ये आपका जीवन बर्बाद कर देगी, इस लूसेंट के पीछे मत रहो आप, इस लूसेंट के पीछे मत रहो, इसमें से मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी फंडामेंटल आएगा, उसके पीछे का फंडामेंटल 5 से 4-5 क्वेश्चन, बस बाकी लूसेंट में से जीएस आना असंभव, खत्म हो गया, सब एंड हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो हो गया विविध, मिसलेनियस पढ़ो, मिसलेनियस भी पढ़नी है आपको, मिसलेनियस को मत छोड़ना, विविध भी मैंने कम से कम 15 पीडीएफ दिए विविध का, उनको ना छूटने दे आप, सबसे बड़ी बात। थोड़ी ही देर में साइंस अपने ग्रह उपग्रह का वीडियो मिल जाएगा, इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उसके अंदर जो ग्रह का पीडीएफ आएगा तो उस पीडीएफ के नीचे टेस्ट भी रहेगा, और उससे संबंधित वीडियो आएगा, वीडियो में वीडियो के जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ में भी आपके पास रहेंगे, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सही से देखें, एक एक पॉइंट को समझे, उसके बाद ही टेस्ट दे, अन्यथा टेस्ट ना दे। अभी हमने ग्रुप में टेस्ट सेंड किया तो पता नहीं 20 में से कोई 5 नंबर लाया, कोई 10 नंबर लाया, कोई 15 नंबर लाया, तो क्या है ये। अरे यार मैंने बोला ना आपसे कि आप पहले वीडियो को देखो या फिर पीडीएफ को पढ़ो, उसके बाद टेस्ट दो, समझने को तैयार नहीं आप। तो अभी हम 2-1 दिन 2 दिन बाद रतलाम निकल रहे हैं, सेंटर वहीं है एग्जाम का, तो फिर वहीं से कुछ मुझे पेपर का जो 26 तारीख को पेपर का लेवल अगर पता लग गया, क्योंकि मेरे कम से कम 70 स्टूडेंट का पेपर है उस दिन, एक अंदाजा लगाया 60-70 बच्चों का 26 तारीख को सुबह और दोपहर के शिफ्ट पेपर एग्जाम है, तो वो मुझे बता देंगे कॉल करके, कॉल से या फिर व्हाट्सएप पे जैसे भी बताए लिख के दे देंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, वहाँ से पूछा था। मैं फिर क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं फटाफट जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया था या तो उसे नेट पे सर्च करूँगा, नेट पे मिला तो ठीक है, नहीं तो बुक्स में लूँगा,
मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर तो कम से कम 15 से 20 बुक्स लेके जा रहा हूँ, ऐसे खाली आप नहीं जाता हूँ, बुक्स तो मेरे साथ ही रहती है ना। बाकी अब बात आती है कि यार कोई क्वेश्चन अगर हमें नहीं आता है तो उस पर क्या करें, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करें, दिमाग से ही आउट है। आपसे पूछ लिया कि बताओ जापान के प्रधानमंत्री कौन है, पता हमें, मुझे भी नहीं पता है ना, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ता हूँ भारत की चीज़ें, इंडिया लेवल की पढ़ता हूँ, इसलिए जापान के प्रधानमंत्री क्या कौन है ना। ए नंबर पे कुछ भी दे दिया, बी पे फिर कोई दिया, सी दिया, डी डी दे दिया, तो क्या है कि जो जो क्वेश्चन नंबर है ना जापान वाला, जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर पर, 5 नंबर पर, और उसके पहले का जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, और उसके बाद का क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो 4 वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा ना और 6 वाला याद होगा ना, तो वो जो 5 वाला है ना परफेक्ट सही करके आओगे। और ये सही कैसे करके आओगे, इसकी ट्रिक अब दो एक दो दिन में बोर्ड पर, यहाँ पर अच्छा बड़ा बोर्ड लगाऊंगा, बोर्ड पर आपको लिखकर समझाऊंगा, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दिस इज मोटिवेशन के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया, एक सूचना देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और दीपावली की शुभकामना देने के लिए आपको वीडियो बनाया। देखो अंदर का आत्मविश्वास है ना, उसको कभी भी समाप्त मत होने दो, आत्मविश्वास को बढ़ाओ शक्ति। और सबसे बड़ी बात हमें देखो, हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आंखें देख रहे हैं आप, आंखें के नीचे हो गया, क्योंकि ये क्या है कि ये दिन भर मोबाइल लैपटॉप हाँ बुक्स वगैरह इनसे आंखें दर्द करने लगती है, तो ये किस लिए है, ये सब आप ही के लिए है। नहीं मुझे फायदा इससे कोई यूँ नहीं, आप पोस्ट हो जाओगे, पोस्ट पर लग जाओगे कोई अच्छी, फायदा आपको होगा, बट आप किसके द्वारा लगे, हमारे द्वारा, वो हमारा नाम होगा। और मैं सबसे बड़ा जो जिस चीज़ का प्यासा हूँ भूखा हूँ, वो सिर्फ नाम का, नहीं दौलत का और नहीं किसी का, मतलब और किसी चीज़ का, सिर्फ मुझे नाम चाहिए और इज्जत चाहिए। आज भी स्टूडेंट, बड़े बड़े स्टूडेंट इज्जत से बात करते हैं, जितनी इज्जत वो देते हैं, अगर वो आप करके बोल रहे हैं तो हम भी आप करके बोलेंगे, न कि तुम बोलेंगे, इज्जत के बदले इज्जत, सम्मान के बदले सम्मान, और यही सबसे बड़ी हमारे भारत देश की शान है, जितनी इज्जत दोगे उतनी इज्जत मिलेगी। बाकी तो सब ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे जो भी है, कुछ मोटिवेशन सिस्टर का सिलेक्शन हुआ था तो उसके बारे में भी सिस्टर से एक वीडियो बनवाऊंगा आपके लिए, मैं कल वगैरह देखता हूँ, मैं वो दूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर ही समाप्त करते हैं, काफ़ी हो गया, काफ़ी लॉन्ग बन गया होगा। जय हिंद जय भारत, आपको दीपावली बहुत बहुत शुभकामनाएं।